हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार वुमेन ट्रेंड्स। आज का वीडियो है डिज़ाइनर साड़ी, वो भी नवरात्र स्पेशल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। डिज़ाइनर साड़ी बनाने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी हमने एक प्लेन साड़ी ली है, वो है 5.5। यहाँ मैंने एक निशान लगाया है और ये मैंने लेस ली है जो कि वेलवेट में है। तो इन दोनों को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके, जैसे कि हम लगाते हैं 2.5 से, तो हम वहीं से लगाना इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अच्छे से लॉक कर देंगे और हम दोनों लेसों को एक साथ लगाएंगे। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें दोनों को एक साथ लगा रही हूँ। मैं एक बार फिर से बता दूँ, जो लेस मैं लगा रही हूँ वो 9 मीटर है, जो कि एक साड़ी के लिए काफ़ी है। पहले मैंने इस वाली साड़ी में दूसरी लेस लगाई थी जो कि मुझे लगाने के बाद अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसे निकाल दिया है। फिर मैं इस वाली लेस को लगा रही हूँ जो काफ़ी अच्छी लगेगी इस पर। साड़ी में लेस किस तरह से लगाते हैं मैं ऑलरेडी कई वीडियोज में अपने में बता चुकी हूँ, इसलिए हम इस बार थोड़ी सी लेस लगा कर दिखा रहे हैं आपको, और उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे टसल्स। टसल्स बनाने के लिए ये मैंने एक छोटे साइज़ का कंगन लिया है, क्योंकि मुझे टसल का साइज़ छोटा ही चाहिए, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो फिर आप बड़ा भी ले सकते हैं। और ये एक सिल्क थ्रेड लिया है मैंने। अब सिल्क वाले थ्रेड को हम इस कंगन पर रैप करेंगे। मैंने इसको 100 बार रैप किया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको जितना भी चाहिए आप उस हिसाब से उसे रैप कर लीजिए। रैप करने के बाद हम इसे सीजर से कट कर देंगे और इसे बीच से पकड़कर थ्रेड से 4 से 5 बार रैप करेंगे। रैप करने के बाद इसे बीच से पकड़ेंगे और फिर रैप करेंगे 4 से 5 बार और उसे अच्छे से बांध देंगे। मैंने इसमें 2-3 नॉट लगाई हैं, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। अच्छे से बांधने के बाद हम इसे सीजर से कट कर देंगे। जी, हमारा टसल्स बनकर रेडी हो गया है। ये हमारी साड़ी का पल्लू है, इसे बनाना हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एक लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। इन टसल्स को मैंने कैसे लगाया है साड़ी में वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने स्केल से लाइन बनाई है, नीचे से ऊपर 6 इंचेस की दूरी रखी है मैंने, और इतनी दूरी ऊपर वाली लाइन में रखी है, इन दोनों में 6 इंचेस की दूरी है, और ऐसे एक लाइन में ऊपर और बनाऊंगी तो हमारी कंप्लीट 3 लाइन हो जाएंगी। ये हमने टसल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था इन्हें कैसे तैयार करना है, ये मैंने गोल्डन मोती लिए हैं छोटे वाले। अब जहाँ मैंने लाइन बनाई है वहाँ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर एक नॉट लगाई है, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा है वो पतला होता है। मैं एक मोती लूँगी और इसको मैंने 3/4 की दूरी पर लगाया है, आप चाहें तो उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरा मोती लूँगी और 3/4 की दूरी रखूँगी। उसके बाद हम एक टसल्स लेंगे, उसे भी धागे में डालेंगे, और जितनी दूरी हमने मोती के बीच में रखी है उतनी दूरी हम टसल्स की रखेंगे, और जैसे 2 मोती हमने पहले लगाए हैं ठीक वैसे ही हम और
और लगाएंगे। अभी मैंने जो लगाया था वो रेड कलर का टसल्स लगाया था, इस बार मैं ग्रीन लगाऊंगी। तो आपने देखा है नीचे वाली लाइन में एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, इसी तरह से मैं इस वाली लाइन को कंप्लीट करूंगी और इसी तरह से हम अपनी तीनों लाइन कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, मैंने स्पेशली पूजा के लिए बनाई है, इसलिए इस साड़ी का कलर हमने येलो कलर रखा है, जिसे आप पूजा में पहनेंगी तो अच्छी लगेंगी। और आपको बता दूँ इस साड़ी को कंप्लीट करने में मुझे 3 डेज लगे हैं, इसलिए प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी डिज़ाइनर साड़ी, वो भी नवरात्रि स्पेशल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। संस्कार वुमेन ट्रेंड्स की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू।